हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम प्रोजेक्ट गंगा वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं, जो हाल ही में रिलीज हुई है अतरंगी ऐप पर। इस वेब सीरीज के राइटर और डायरेक्टर है सुदीश अमरेंद्र कुमार, जिन्होंने पहले साइलेंस ऑफ स्लीप जैसी अच्छी फिल्म बनाई है। सीरीज उत्तर प्रदेश में बसे पांडे परिवार के ऊपर बेस्ड है। जय जैनब के प्यार में पागल है और बेटी अली अंसारी नाम के लवर के प्यार में। दोनों बच्चे अपनी प्यार की कहानी आगे बढ़ाते हैं और अपने पापा को जरा भी हिंट नहीं लगने देते। दोनों कन्वर्ट होकर अपने लव इंटरेस्ट के साथ भागने की सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि अली और जैनब मिले हुए हैं। वो दोनों कौन है, पांडे परिवार से वो क्या करना चाहते हैं और वो दोनों का मकसद क्या है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी अतरंगी ऐप पर। सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड है, जहाँ पे हर एपिसोड 20 मिनट लंबा है। सीरीज बिना कोई नॉनसेंस के सीधा अपने मुद्दे पर आती है। ये शो की सबसे अच्छी बात इसकी अनबायस्ड कॉमेंट्री है। कोई भी एक साइड को अच्छा या बुरा नहीं दिखाया गया है, दोनों की ग्रे साइड हमको प्रेजेंट की गई है। एक्टिंग की बात करें तो सबके परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग थे। खास करके आदित्य मनु सिंह ने जय का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है। सिर्फ एक चीज जो हमको इतनी इम्प्रेस नहीं कर पाती है, वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर। ओवरऑल ये वेब सीरीज एक इंटेंस थ्रिलर है, जो प्यार, रिलीजन, लव जिहाद और ऑनर किलिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स से बहुत अच्छी तरीके से डील करती है और प्रेजेंट करती है, और इसीलिए हमारे हिसाब से ये सीरीज मस्ट वॉच है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था प्रोजेक्ट गंगा का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एनकरेज कीजिए। रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।